21 से 22 जनवरी तक चंडीगढ़ में चल रहे साउथ एशियन समाज चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 19 पदक। ये खिलाड़ी यह टूर्नामेंट जो था ये होने वाला था श्रीलंका में, लेकिन वहाँ की स्थिति सामान्य नहीं होने की वजह से यह टूर्नामेंट भारत में हुआ और भारत में होने का पूर्ण फायदा भारतीय खिलाड़ियों को मिला। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पे 19 पदक जीता। कई खिलाड़ियों ने दोहरा पदक जीता, इसमें स्वीटी कुमारी असौत व कम्बेट दोनों ही फाइट में गोल्ड मेडल जीता है। उपासना आनंद असौत में गोल्ड व कॉम्बेट में सिल्वर मेडल जीता है। तनुश्री असौत में गोल्ड व कॉम्बेट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सृष्टि भारद्वाज गोल्ड मेडल, कुमारी अनन्या गोल्ड मेडल, अनुष्का अभिषेक गोल्ड मेडल, शिवानी कुमारी सिल्वर मेडल असौत फाइट। इसके साथ ही जब बालक खिलाड़ियों की बात करें तो रोहित कुमार प्रजापति असौत में गोल्ड मेडल, हिमांशु राज असौत फाइट गोल्ड मेडल, सूरज कुमार असौत व सिल्वर दोनों में ही सिल्वर मेडल है इनका। नितेश कुमार की बात करें तो ये जो है सिल्वर मेडल व ब्रॉन्ज मेडल दोनों में जीते हैं। नासिर फिरोज ब्रॉन्ज मेडल, हिमांशु भगत ब्रॉन्ज मेडल, काशिफ हुसैन ब्रॉन्ज मेडल, ये सभी खिलाड़ियों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। इनके प्रदर्शन के दम पे आज भारत विजेता बना है और भारतीय विजेता टीम विजेता ट्रॉफी जो है हमें प्रदान किया गया है, जो कि एशियन सवाद कॉन्फेडरेशन के महासचिव सुकृत जी के द्वारा, और भारतीय टीम में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। ये सभी खिलाड़ी राज्यसभा संघ बिहार के अध्यक्ष व राष्ट्रीय सभा संघ के अध्यक्ष जो हैं हंसराज रमसौ जी व कांग्रेस संस्थापक सुखविंदर सिंह जी व महासचिव परमजीत कौर, इन सभी के द्वारा सभी खिलाड़ी को बधाई भी दी गई है। और पटना एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर तक की लगभग 10 जगहों पे जो है विजेता खिलाड़ियों को स्वागत की व्यवस्था की जा रही है। जोरदार स्वागत का तैयारी पटना एयरपोर्ट पे भी चल रहा है और सभी खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित हैं और बिहार के लोग काफ़ी इंतजार में हैं। पहली बार इन्होंने इतना पदक मार के इतिहास रच दिया। इसी के साथ मैं सिहानी राहुल श्रीवास्तव कोच भारतीय सवाल टीम। अयोध्या के साथ बिहार में आज श्री राम की भक्ति में अयोध्या ही नहीं पूरा बिहार भी डूब चुका है। गली गली में श्री राम के जयकारे लग रहे हैं, हर मंदिर में श्री राम के जयकारे लग रहे हैं, कहीं अखंड कीर्तन तो कहीं महाप्रसाद का आयोजन किया गया। रात से ही कई मंदिरों में अष्टयाम और भजन हो रहे हैं, हर जिले में उत्सव जैसा माहौल है। इसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर के पुपरी स्थित राम जानकी मंदिर से लेकर गौरीहारी राम जानकी मंदिर तक रामायण झांकी का आयोजन किया गया, जिससे ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। जहां लोगों ने जय श्री राम के नारे से पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया, वहीं शाम को महाआरती के साथ महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 राम। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।